आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टेम्पोरल डेटाबेस के बारे में। समझने की कोशिश करते हैं टेम्पोरल डेटाबेस होता क्या है। तो जब भी आप समझो, जब आपको टाइम सेंसिटिव डेटा स्टोर करना हो, टाइम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर करना हो, जिसमें आपको पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर के सारे कहने चाहिए इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अब आप टेम्पोरल डेटाबेस की बात करते हो। जैसे सपोज दैट एक एम्प्लॉय टेबल है। अगर आप बात करते हो एम्प्लॉय टेबल की, तो एम्प्लॉय टेबल में सपोज दैट आपके पास एम्प्लॉय आईडी है, ई नेम है, सैलरी है, कमीशन है, ऐसे करके बहुत सारे कॉलम्स है। मैं उसमें से केवल सैलरी और कमीशन की बात कर रहा हूँ। सपोज दैट एक एम्प्लॉय की सैलरी 5,000 है और कमीशन 200 रुपीज है। अब क्या होता है, 2020 में इसकी सैलरी को हम इंक्रीमेंट करते हैं, 6,000 कर देते हैं और कमीशन 500 कर देता है। 2023 में इसकी सैलरी इंक्रीमेंट करते हैं, 7,000 कर देते हैं और कमीशन 1,000 कर देते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसकी इंफॉर्मेशन अपडेट करोगे, जैसे आपने 6,000 और 500 इंसर्ट किया, तो 5,000 और 2,200 तो डिलीट हो गया। वैसे ही अगर आपने 7,000 और 1,000 कहना चाहिए इंसर्ट किया, मतलब आपने अपडेट किया सैलरी में 7,000, 5,000 से सैलरी अपडेट हो गई 7,000 और कमीशन अपडेट हो गया 1,000, तो पुरानी इंफॉर्मेशन चली जाती है, पुरानी इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाती है। लेकिन जब मुझे इसके पास्ट की इंफॉर्मेशन भी चाहिए कि सपोज दैट 2020 में उसका उसकी सैलरी और कमीशन क्या था, अब 2021 में उसकी सैलरी और कमीशन क्या है, ठीक है, क्या अपडेशन हुए, 2022 में क्या अपडेशन हुए उसकी सैलरी और कमीशन में, इस सारी इंफॉर्मेशन पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की अगर आपको चाहिए, तो आप टेम्पोरल डेटाबेस की बात करते हो, जब भी आप टाइम सेंसिटिव डेटा की बात करते हो। सो टेम्पोरल डेटाबेस इज अ डेटाबेस विद बिल्ट इन सपोर्ट फॉर हैंडलिंग टाइम सेंसिटिव डेटा। यूजुअली डेटाबेस स्टोर इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट करंट स्टेट एंड नॉट अबाउट पास्ट स्टेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन एन एम्प्लॉय डेटाबेस, इफ द एड्रेस ऑफ सैलरी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन चेंजेस, द डेटाबेस गेट अपडेटेड, द ओल्ड वैल्यू इज नो लॉन्गर देयर। सो हाउ एवर फॉर एनी एप्लीकेशन इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द पास्ट और हिस्टोरिक वैल्यूज एंड द टाइम एट विच द डेटा वॉज अपडेटेड, दैट इज द नॉलेज ऑफ इवोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। और ऐसे केसेस में हमें टेम्पोरल डेटाबेस की बात करते हैं, दैट इज वेयर टेम्पोरल डेटाबेसेस आर यूजफुल, इट इज स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो एनी डेटा दैट इज टाइम डिपेंडेंट इज कॉल्ड द टेम्पोरल डेटा एंड दीज आर स्टोर्ड इन टेम्पोरल डेटाबेसेस, ठीक है। तो टेम्पोरल डेटा किसको बोलते हैं, जो कि टाइम डिपेंडेंट हो, ठीक है, और ऐसे डेटा को जहां हम स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल डेटाबेसेस। सो टेम्पोरल डेटाबेस स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेट्स ऑफ द रियल वर्ल्ड अक्रॉस टाइम। टेम्पोरल डेटाबेस इज अ डेटाबेस विद बिल्ट इन सपोर्ट फॉर हैंडलिंग डेटा इन्वॉल्विंग टाइम, इट स्टोर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम ऑफ ऑल इवेंट। अब अगर हम इसमें बात करें, तो यहाँ पास हमारे पास वैलिड टाइम होता है, ट्रांजेक्शन टाइम होता है और डिसीजन टाइम होता है। वैलिड टाइम मतलब इट इज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच अ फैक्ट इज ट्रू इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है। जैसे सैलरी अभी उसकी 5,000 है। ट्रांजेक्शन टाइम इज द टाइम एट विच अ फैक्ट वॉज रिकॉर्डेड इन द डेटाबेस, कब इसको मैंने रिकॉर्ड किया। डिसीजन टाइम इज द टाइम एट विच द डिसीजन वॉज मेड अबाउट द फैक्ट, ठीक है, इस डिसीजन को हमने कब माना, दैट इज कॉल्ड डिसीजन टाइम, ठीक है। तो जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं दैट यूज टेम्पोरल डेटाबेस इंक्लूड्स ओरेकल, ओरेकल में भी आप टेम्पोरल डेटा को स्टोर कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल में भी कर सकते हो, देन आईबीएम के DB2 में कर सकते हो। तो ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और आईबीएम DB2 में आप कर सकते हो। तो एडवांटेजेस क्या है, हाई लेवल डिक्लेरेटिव क्वेरी आप यूज कर रहे हो और टेम्पोरल डेटाबेस एफिशिएंटली स्टोर अ टाइम सीरीज ऑफ डेटा, टिपिकली बाय हैविंग सम फिक्स्ड टाइम स्केल सच एज सेकंड्स और इवन मिलीसेकंड, एंड देन स्टोरिंग ओनली चेंजेस इन द मेजर डेटा। इट इज ऑल्सो यूजफुल इन रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज रिलेटेड टू अ डेटाबेस स्टोर फॉर अ गिवन टाइम स्टैम्प, सो देर इज मोर स्टोरेज रिक्वायर्ड। अब आपको टाइम भी स्टोर करना है, टाइम स्टैम्पिंग स्टोर करना है, मतलब सेकंड हो गया, डे हो गया, डिसीजन टाइम हो गया, मिली सेकेंड हो गया, तो बट ऑब्वियस है स्टोरेज जो होगा वो आपका कहना चाहिए नॉर्मल कहना चाहिए वेरिएबल के कंपेरिजन में ज्यादा होगा, ठीक है। तो इट इज रिलेटेड टू अ डेटाबेस स्टोर फॉर अ गिवन टाइम स्टैम्प, सो दैट सो देर इज मोर स्टोरेज रिक्वायर्ड। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि टेम्पोरल डेटाबेस क्या होता है। थैंक यू।